जी बिल्कुल, उर्दू टाइम यूके और कारवाने अदब बरतानिया की जानब से इस्तेहकाम पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से एक महफिल मुशायरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और एक तजीती प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत सुहेल वड़ाए साहब और यूके पार्लियामेंट के मिनिस्टर मोहम्मद अफजल खान साहब और इनके अलावा पाकिस्तान कौंसलेट से मोहतरम तारक वज़ीर साहब ने खसूसी शिरकत की। इनके अलावा कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। फरूक अहमद चीमा, FCN न्यूज़, UK, मैनचेस्टर, लॉन्ग साइड। था एक तो हमारा तजीती रेफरेंस था, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मियां मुदस्सर हसन आदम लाहौर में इंतकाल कर गए थे। हमने मुशायरा और अदबी कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक हमारा सबका मसला है और पाकिस्तान हमारी सब की जान है और पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा।
तो मेरी तो दरख्वास्त है उन अदारों से कि एक अदारे को मजबूत ना करें, सभी अदारे अपनी अपनी जगह पे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। जी आज हम यहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में इस्तकाम पाकिस्तान मुशायरा महफिल में शामिल हुए हैं। तो पाकिस्तान से जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, सुहेल वड़ाई साहब जियो वाले, वो भी आए थे। तो बहुत कुछ सुनने को मिला है, बहुत कुछ इलम में भी इजाफा हुआ है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें अपने पाकिस्तान के साथ जो उनकी एक जो उनकी जो यकजहती है उसके लिए भी होनी चाहिए। और 14 अगस्त के हवाले से मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम भरपूर रैलीज निकालेंगे और यकजहती करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम कम्युनिटी सेंटर में पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में आए हैं, 14 अगस्त भी मना रहे हैं। पाकिस्तान के मतलब बहुत अच्छा इवेंट था और आज राज साहब से भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। बाकी भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, अफसर साहब थे और भी बहुत सारे जो काउंसलर्स हैं वो भी थे, तारिक वजीर साहब भी थे। सबकी स्पीचेस सुनी हमने, सब बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम तो पाकिस्तान के लिए आए हैं यहाँ। थैंक यू सो मच। आज इस काम में कॉन्फ्रेंस के इस काम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर कार्यक्रम की तरफ से और दो टाइम्स की तरफ से, माशाल्लाह बहुत ही कामयाब रही और बड़े जैद किस्म के जो अहले कलम हैं पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए, उन्होंने इसमें शिरकत की और पाकिस्तान के लिए बेशुमार दुआएं भी की। इसके अलावा एक ताज़ियती प्रोग्राम भी था, हमारे एक साथी जो हैं उनके ब्रादर जो हैं वो नौजवान, बहुत नौजवान थे, नौजवानी में उनकी वफात हो गई और अपने अल्लाह ताला की तरफ चले गए, तो उनके लिए भी दुआ फरमाई गई। और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अहल दर्द जो हैं वो सात मंजर पार बैठे हुए हैं से और अपने मिलने वाले से भी उतनी ही मदद रखते हैं जितने कि हमारे बदल में रहने वाले। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो ये है कि इसमें अहले ज़बान को इकट्ठा किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे ऐसे लोग जो दरअसल शादी में कभी कभी निकलते हैं, इकट्ठा होना चाहिए, ऐसी जगहों पे आना चाहिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए। देखें एक चीज़ बड़ी वाजी है कि हमें अपना पाकिस्तान खुशों को हम बहुत खुशहाल, हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देखा और उसके लिए ज़ाहिर है जी कि हमें कुछ करना है। एक छोटी सी बात मैं करूँगा, देखें ये मट्टी, ये मुल्क, ये हमारी माँ की जगह है और कभी भी आप याद रखिए माँ गलत नहीं होती, माँ के बच्चे गलत हो सकते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ सकते हैं, माँ गलत नहीं होती। और यही चीज़ हमें सोचते हैं जी कि ये माँ हमारी ये गलत नहीं है, हम कुछ उसमें बिगड़े हुए बच्चे हैं, हम कुछ बिगड़े हुए लोग हैं, माँ गलत नहीं। उस माँ की हिफाजत करना, माँ का ख्याल रखना, उसकी तरक्की के लिए कुछ करना, ये सब सब बहुत शुक्रिया। जी आज हम पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जो थी में पाकिस्तान के बारे में थी और जो 14 अगस्त को जो कारवानी अदब जो यहाँ पर एक शेर और अदबी तंजीम है उन्होंने मुनाकिद किया था और बहुत ही एक खूबसूरत महफिल रही। और पैगाम जो हम देना चाहते हैं जो यहाँ पर जिस तरह से गुफ्तगू भी हुई है और सबकी तकारीर और सबके ख्याल का भी हमने जो सुने हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त हम सब की ज़रूरत है और पाकिस्तान जो है इस वक्त थोड़े मुश्किल, जैसे हम सब जानते हैं कि मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो हम दुआ भी करते हैं लेकिन हमें अमली भी उसमें जो है कुछ काम करके भी दिखाना है। जो आपका अपना रोल है वो आप ईमानदारी से, डेफिनेटली इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो है पाकिस्तान जो सियासी गैर इस्तेहकामी जो सूरत हाल है उसकी जो है सबसे ज़्यादा हमें जो परेशानी है कि पाकिस्तान के कोई ऐसा लीडर नहीं है अभी तक कि जो कि पूरे पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर सके। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारी कौम में से कुछ ऐसे अच्छे लोगों का सामने लेकर आए जो कि पाकिस्तान की तरक्की उसको गामजन कर सकें और पाकिस्तान की भलाई उस इसी में है।